राजधानी रायपुर में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के जिला दफ्तर के बाहर ही कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ गईं। कोरोना संक्रमितों की सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 202 अलग अलग पदों पर संविदा भर्ती निकाली है। इन्हीं 202 पदों के लिए आवेदन जमा करने हजारों की भीड़ उमड़ी है। हालात ऐसे हैं कि लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। लोगों ने मास्क तक नहीं लगा रखे हैं। बता दें, 202 अस्थायी पदों पर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। मंगलवार को आवेदन का पहला दिन था। इसके लिए इंटरव्यू देने वालों की भीड़ टूट पड़ी है। 2000 से ज्यादा की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। इसमें डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजर, स्टोर इंचार्ज कम फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, ऑक्सीजन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड जैसे पद शामिल है। आवेदन जमा करने के दौरान स्वास्थ्य विभाग का अमला इस भीड़ को संभाल न सका। कई बार तो फॉर्म और आवेदकों के रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद करना पड़ गया। भीड़ की वजह से कई लोगों को तो फॉर्म ही नहीं मिल पाया है। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा नहीं थी, इसलिए आवेदनकर्ताओं को जिला स्वास्थ्य अधिकारी दफ्तर आना पड़ा। मीरा बघेल, CMHO। ये कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने पिछले साल प्रपोजल भेजा था NMDC को कि वो ऑक्सीजन प्लांट भी लगा के दे और साथ में इक्विपमेंट्स भी दे, मतलब वेंटिलेटर्स भी दे, बेड्स भी दे। ऑक्सीजन प्लांट तो उन्होंने लगा ही दिया आयुष यूनिवर्सिटी में 240 बेड में, लेकिन अब ये इक्विपमेंट्स यदि मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है HR की। प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स, आपके HR मैनेजमेंट करने के लिए, आपके फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, फिर नीचे काम करने वालों का, बहुत सारे पदों की ज़रूरत पड़ती है उसमें। तो हम लोगों ने उन पदों को भी मांगा था, तो NMDC ने अपने CSR फंड से हमें उसकी स्वीकृति दी है। तो अब ये भर्ती फिर करना हमारा काम था और आज हमने ये भर्ती का एडवर्टीजमेंट जो 3-4 दिन पहले निकला था उसी का हम एप्लीकेशन ले गए हैं और वॉक इन इंटरव्यू है। एप्लीकेशन के बाद इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, पल्मोनरी स्पेशलिस्ट भी हैं और स्टाफ नर्स भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं। तमाम पदों के लिए ये आवेदन अभी लिए जा रहे हैं और इसके बाद कल इनका इंटरव्यू होगा, जिसका एक इंटरव्यू पैनल बनेगा, उसमें कलेक्ट्रेट के लोग भी रहेंगे और इंटरव्यू के बाद फिर इनकी भर्ती की जाएगी। हम बात करते हैं कोरोना से बचने की, लेकिन एक साथ सभी को एक ही जगह पे इंटरव्यू के लिए बुलाना, क्या कोरोना को आमंत्रित करना नहीं? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ, फिलहाल अभी भी नहीं हो रहा है। आप लोग भी इतने सारे ग्रुप में आए हैं, अभी भी कोरोना का पालन नहीं है। आपने तो मास्क भी नहीं पहन के रखा ना, सवाल मास्क ऐसा नहीं पहनते। मास्क तो सही जगह पे पहना जाता है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने सारे लोग इस पद के लिए आ जाएंगे और देख के फिर लगा कि हाँ, बहुत सारे लोग आ गए हैं और इसीलिए आज का दिन हमने फॉर्म लेने का रखा। अब हम इंटरव्यू के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग व्यवस्था हम करने वाले हैं। क्या व्यवस्था में कमी की गई है? क्योंकि देखिए, अलग अलग पोस्ट थे, उन लोगों को अलग अलग दिन बुलाया गया था, तो ये समस्या। हाँ, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसकी भर्ती, कोरोना के जो ग्राफ बढ़ते जा रहा है, आपने देखा कि प्रतिदिन 2000 केस आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम एक एक दिन का एक एक दिन करते हैं, ऊपर से मुझे कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करना है, उनकी जांच भी करनी है, मुझे वैक्सीन भी लगाना है, मैं एक एक दिन यही काम करते रहे स्वास्थ्य विभाग, तो बाकी का काम कौन देखेगा? ये सारी चीजें देखते हुए ये था कि वॉक इन इंटरव्यू में आए, तुरंत भर्ती हो, लेकिन ऐसा हुआ कि For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.